रफा पर इसराइल के हमलों के बीच इसराइल का उत्तरी बॉर्डर हिजबुल्ला के हमलों की धमाकों की आवाज से हर एक पल गूंज रहा है। उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला हर घंटे में कोई न कोई बड़ा हमला कर रहा है और उसके निशाने पर सीधे इजरायली फौज है जो वहां पर हिजबुल्ला पर जवाबी हमले कर रही है। लेकिन इसी बीच हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर अभी तक का सबसे करीबी हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में समाका साइट और उसके आसपास इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके घनी हरियाली के बीच कंधों पर रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इन लड़ाकों में कुछ स्नाइपर लड़ाके भी होते हैं जो इजरायली सेना पर रॉकेट और गोलियों से हमला कर देते हैं। ये हमला बॉर्डर के करीब बनी एक सैन्य चौकी पर होता है जिसमें जोरदार धमाका होता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लॉन्चर में एक के बाद एक रॉकेट भरकर उन्हें इजरायली बॉर्डर की तरफ फायर किया जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हरियाली के बीच हिजबुल्ला के कई लड़ाके छिपे हुए हैं जो बॉर्डर पर इजरायली सैन्य चौकी पर रॉकेटों की बरसात कर रहे हैं। वीडियो के मुताबिक ये हमले दिन और रात दोनों में किए गए हैं। इसके बाद हिजबुल्ला का एक और लड़ाका एक बड़े से लॉन्चर में रॉकेट भरकर लगातार उन्हें फायर करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने ये वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसका अभी तक का ये सबसे करीब से किया गया हमला था। आपको ये भी बता दें कि सुमक्का साइट पर हमला करने से पहले हिजबुल्ला ने शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइलों और गोला बारूद से भी एक बड़ा हमला किया था। हिजबुल्ला ने रामिया साइट पर इजरायली सैनिकों की पोजीशंस पर बमबारी की थी। इसको लेकर लेबनानी मीडिया अल मयादीन का कहना है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने रामिया साइट पर 100 से 150 मीटर की दूरी से हमला किया है। लेबनानी मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला इसराइल का सामना करने के लिए हर तरीके से तैयार है। हिजबुल्ला के लड़ाके उन जगहों पर भी तैनात हैं जहां पर इसराइल ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। यहां तक कि हिजबुल्ला के पास अब इसराइल पर बेहद ही करीब से हमला करने की भी क्षमता है और हिजबुल्ला के इसराइल पर हमलों को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। दरअसल लेबनानी मीडिया का कहना है कि 20 से 26 मई के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर 76 सैन्य अभियान चलाकर हमले किए हैं जिनमें इसराइल के 10 कमांड सेंटर, 4 मिलिट्री वाहन और 15 सेटलमेंट्स यूनिट पर हमले किए गए हैं।